स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश और फ्लेमिंगो बुक से जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके मेन कैरेक्टर स्केच हम करने वाले हैं, जिसमें एम हेमेल और फ्रांस का कैरेक्टर स्केच आज हम देखने वाले हैं। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कैरेक्टर स्केच को याद करने से एक तो आपको स्टोरी दोबारा से याद हो जाएगी, जितनी समरी होती है स्टोरी की वो सब कैरेक्टर स्केच के अंदर आ जाती है, और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके एमसीक्यूज भी अगर आते हैं तो आप वो भी कर डालोगे इसके अंदर से, ठीक है? तो कैरेक्टर स्केच की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, फिजिकल एजुकेशन की ईबुक अवेलेबल है, जिसमें आपको मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और आपको बता दूं, फिजिकल एजुकेशन की ईबुक हिंदी मीडियम में है, ठीक है, पहले ही बता रहा हूं। और ईबुक को परचेज करने का सेम प्रोसेस है जैसे आपने इंग्लिश की ईबुक खरीदी है, सेम वैसे ही फिजिकल की जो फिजिकल एजुकेशन की जो ईबुक है आप जाके मोबाइल ऐप के अंदर से परचेज कर सकते हैं। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो या आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई वहां पे जरूर करूंगा। तो आज का जो पहला कैरेक्टर है हमारा वो है एम हेमेल, जो कि टीचर है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस्ड टीचर है। ही इज एन एक्सपीरियंस टीचर, वो हैज बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 40 ईयर्स, लगभग 40 साल से वो पढ़ा रहे हैं। ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर एंड स्टूडेंट्स लाइक फ्रांस हु आर नॉट गुड लर्नर्स आर इन ग्रेट ड्रेड ऑफ बींग स्कोल्डेड बाई हिम। देखो, एक तो इनके पास एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, 40 साल से ये पढ़ा रहे हैं, और ये काफी ज्यादा हार्ड टास्क मास्टर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के हैं जो होते हैं टीचर जैसे। और इसी के साथ साथ जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे नहीं है पढ़ाई में, जैसे कि फ्रांस, वो हमेशा इनसे डरे रहते हैं कि मतलब ये मारे ना या डांट ना लगाएं, ठीक है? तो मतलब स्कोल्डेड यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ड, इसका मतलब वही होता है डांट लगाना, फटकारना। तो बच्चे इनसे डरते थे कि कहीं ये मतलब उनको डांट ना दे बच्चों को, ठीक है? और इसमें ये लिखा हुआ है कि द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ द प्रशियन, यहाँ पे पी आएगा, ठीक है, प्रशियन रूलर्स अपसेट्स हिम, ही मस्ट लीव द प्लेस फॉर एवर एंड ही फील्स हार्ट ब्रोकन। अब जो लेटेस्ट ऑर्डर आया था प्रशियन रूलर्स का, आप सबको पता होगा नोटिस बोर्ड पे क्या बताया गया था, कि आज के बाद जो है फ्रेंच लैंग्वेज पूरे मतलब एल्सेस और लोरेन में नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज सिखाई और पढ़ाई जाएगी वो होगी जर्मन, ठीक है? तो उसके लिए नया टीचर आएगा। ये सब सुन के इनका बिल्कुल आप कह सकते हो दिल टूट सा गया था, हार्ट ब्रोकन वो हो गए थे, ठीक है? और उनको अब हमेशा के लिए छोड़ के जाना था स्कूल को। और आगे यहाँ पे लिखा है ही फील सैड बट एक्सरसाइजेज सेल्फ कंट्रोल, उनको बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा था पर वो ट्राई करते हैं कि अपने आप के ऊपर वो थोड़ा कंट्रोल रखें। एंड हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट लेसन वॉज ग्रेट, ही इज काइंड इवन टू अ लेट कमर लाइक फ्रांस। लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस थी लास्ट दिन की, जो उनका लास्ट लेक्चर था, ठीक है, स्कूल के अंदर, वो काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी, ठीक है, काफी ज्यादा ग्रेट थी। और उस दिन वो काफी ज्यादा बदले हुए थे, काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म्ड थे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हुआ था उनके अंदर एक तरीके का, क्योंकि वो जो स्ट्रिक्ट रहा करते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि अब उनको छोड़ के जाना है, इन बच्चों से वो दूर हो जाएंगे, तो काफी ज्यादा उनको सैड फील हो रहा था। और जो लेट आने वाला बच्चा जो हमेशा लेट आता था, जैसे कि फ्रांस, वो उस पे भी वो गुस्सा नहीं हुए, उनके साथ भी यानी कि फ्रांस के साथ भी वो आराम से बात कर रहे थे और अच्छे से बात कर रहे थे। आगे लिखा हुआ है ही इज अ गुड कम्युनिकेटर, काफी अच्छे से वो बातें करते थे एंड एक्सप्लेन्स एवरीथिंग पेशेंटली, काफी पेशेंट तरीके से वो हर चीज को एक्सप्लेन किया करते थे जब वो पढ़ाते थे। ही फेल्स टू से गुड बाय एज हिज थ्रोट हिज चोक्ड, वो लास्ट में गुड बाय कहना चाहते हैं वी विल ऑफ फ्रांस लिख के, लेकिन उनका गला जो है वो भर जाता है, ठीक है, और काफी ज्यादा चोक्ड हो जाता है, इसलिए वो नहीं कह पाते गुड बाय भी। एंड ओवरऑल अगर हम कहें तो ही इज अ पेट्रियोटिक जेंटलमैन, वो काफी ज्यादा एक तरीके से पेट्रियोटिक टाइप के जेंटलमैन है। ये कैरेक्टर स्केच हो जाएगा एमएमएल का। इसी के साथ आपको अगर कोई ना कोई क्वेश्चन भी आ जाता है इसके ऊपर तो आप उसको भी कर पाओगे। सेकेंडली अब हम देखते हैं यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो है फ्रांस, ठीक है, जो कि एक स्टूडेंट है। फ्रांस वाज अ स्टूडेंट इन वन ऑफ द स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस, जो एल्सेस जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे जो एक स्कूल था वहाँ का एक बच्चा, वहाँ का एक स्टूडेंट था फ्रांस, एंड हिज स्कूल मास्टर वाज एम एम एल, जो उनके टीचर थे स्कूल मास्टर थे उनका नाम एम एम एल था, एंड ही वाज मच स्केर्ड ऑफ हिम, वो काफी ज्यादा मतलब डरता था एम एम एल से। और यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, फ्रांस इंजॉयड स्पेंडिंग मच ऑफ हिज टाइम आउटसाइड, जो फ्रांस था वो ज्यादातर अपना टाइम जो है वो बाहर बिताना जो है पसंद करता था, ज्यादातर बाहर घूमना फिरना उसे पसंद था। एंड एट फर्स्ट ही डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन एम एम एल्स टीचिंग, शुरुआत में
तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ता था, बिल्कुल भी एमएमएल की जो टीचिंग होती थी, जो लेक्चर्स होते थे, उन पे वो ध्यान नहीं दिया करता था, और बहुत आवारा टाइप का बच्चा था। ही डिड नॉट इवन प्रिपेयर हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। आपने स्टोरी में भी पढ़ा होगा कि वो अपना जो पार्टिसिपल का लेसन था वो नहीं पढ़ के आया हुआ था, ठीक है, लास्ट डे भी। और हाउएवर फ्रांस वॉज फोर्स्ड टू चेंज हिज ओपिनियन अबाउट एमएमएल। लास्ट टाइम पे जब लास्ट लेक्चर था, फ्रांस ने जो उनका ओपिनियन था फ्रांस का एमएमएल के प्रति, कि वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं और काफी ज्यादा मतलब डांटते हैं, फटकारते हैं, ये सारी चीजें अब चेंज हो चुकी थी। वो बिल्कुल फ्रांस के दिमाग से ये सब चीजें निकल चुकी थी। और जब उन्हें पता चला, यानी कि फ्रांस को ये चीज कब पता चली कि मतलब ऐसा फ्रांस के साथ क्यों हुआ, जो उनका मतलब जो फ्रांस का जो ओपिनियन था वो क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जब उसको पता चला कि एमएमएल वुड नॉट एबल टू टेक एनी फ्रेंच लेसन्स आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम। अब आज के बाद एमएमएल हमें नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बर्लिन से जो ऑर्डर आया है वहां पे उस ऑर्डर के बाद में कोई भी फ्रेंच की क्लासेस नहीं होंगी। तो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा जो फ्रांस था उसको दुख हुआ, ठीक है, और उसके बाद जो है ही फेल्ट सैड और ही स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग द मैन हु हैड स्पेंट 40 ईयर्स इन द सेम स्कूल। जब उसको दुख हुआ उसके बाद वो रिस्पेक्ट करने लगा एमएमएल की, और उस मैन की यानी कि उस इंसान की वो रिस्पेक्ट करने लगा जिसने 40 साल बिताए थे उसके स्कूल के अंदर, ठीक है, यानी कि जो एमएमएल टीचर थे उसके। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स जो है, इनका जो कैरेक्टर स्टिक्स थे और जो इनका कैरेक्टर स्केच था वो मैंने आपको बता दिया है, और इसी के साथ आपको स्टोरी भी रिमाइंड हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में आपको शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।